हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। व्हाट आर इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शंस आर वेयर एक्स एंड वाई वेरिएबल आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। मीन टू से एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं, ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं इस टाइप से, राइट right? इसमें क्या होता है, एक्स और वाई इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं कि इन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, राइट right? जिस तरह हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू जीरो। सपोज कि हमारे पास ये फंक्शन है, यहां पर देखिए एक्स वाई है हमारे पास साइन ऑफ एक्स वाई, इसमें हम लोग एक्स वाई को सेपरेट अलग नहीं कर पाएंगे, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, राइट। तो सिंपली आपने याद रखना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन में एक्स वाई वेरिएबल आपस में कनेक्टेड होते हैं, इन्हें हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? वेरी सिंपल, जिस तरह हम लोग अदर फंक्शन का डेरिवेशन करते हैं वैसे ही इसका डेरिवेशन होगा। लुक मी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस तरह आम फंक्शन का डेरिवेशन होता है वैसे ही हम लोग डेरिवेशन करेंगे इसका। तो साइन का डेरिवेशन हो जाएगा कोस, इसका एंगल हमारे पास एक्स वाई है सेम रहेगा, इनटू में हमारा रूल ये है कि पी टी ए पहले हम पावर को डेरिवेट करते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डेरिवेशन करते हैं और लास्ट में एंगल का डेरिवेशन होता है। यहां पर पावर का डेरिवेशन नहीं होगा क्योंकि साइन की पावर वन है, डायरेक्ट हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का डेरिवेशन किया है, कोस एक्स वाई आ गया और अब आपने एक्स वाई को डेरिवेट करना है। एक्स वाई का डेरिवेशन करेंगे इसके लिए यू इंटू वी फार्मूला अप्लाई करेंगे, पहले एक्स आएगा, वाई का डेरिवेशन डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई रहेगा और x का डेरिवेशन इनटू में 1 आएगा, प्लस में हमारे पास y है तो विद रिस्पेक्ट टू y के लिए हम लोग राइट करेंगे dy by dx, राइट। तो cos xy को मल्टीप्लाई कर दो, cos xy को इधर मल्टीप्लाई करो x इनटू dy by dx से, तो ये हमारे पास हो जाएगा x सेम रहेगा cos xy dy by dx प्लस y, हाँ जी कोस एक्स वाई को सेम वाई से मल्टीप्लाई करो, कोस एक्स वाई प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहां पर ध्यान से देखिए, डी वाई बाय डी एक्स यहां पर भी है और डी वाई बाय डी एक्स यहां पर भी है, तो यहां से हम लोग डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स कॉमन आ जाएगा इन साइड, अंदर हमारे पास क्या बचेगा एक्स कोस एक्स वाई प्लस यहां पर क्या बचेगा, यहां पर वन रह जाएगा। तो हमने यहां से डीवाई बाई डीएक्स और यहां से डीवाई बाई डीएक्स कॉमन निकाल लिया, ये वाला जो पार्ट है ये सेम रहेगा, ठीक है, इस पार्ट को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये बन जाएगा माइनस वाई कोस एक्स वाई। ओके, तो डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू यस डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू माइनस वाई कोस एक्स वाई बाय, ये पार्ट हमारे पास मल्टीप्लाई में है, एक्स कोस एक्स वाई प्लस वन की डीवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, तो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा एक्स कोस एक्स वाई प्लस वन डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, इस इम्प्लिसिट फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस वाई इंटू कोस एक्स वाई बाय एक्स कोस एक्स वाई प्लस वन, राइट। सिंपल, जिस तरह से फंक्शन होते हैं वैसे ही इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, फर्क इतना है कि इसमें कई बार डीवाई बाई डी एक्स आएगा, इस तरह यहां पर भी डीवाई बाई डी एक्स है, यहां पर फिर से डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है, ठीक है, तो इनमें से कॉमन हमें लेना पड़ेगा, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। एक दो प्रॉब्लम इसकी हम और करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की। हाँ जी, नेक्स्ट इम्प्लिसिट प्रॉब्लम, चलिए हमारे पास नेक्स्ट है एक्स इंटू
वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई। हमने प्रूव करना है डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो देखिए हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स इक्वल टू जीरो वेयर एक्स नॉट इक्वल टू वाई, राइट। और हमने ये प्रूव करना है मीन टू से हमारा ये डेरिवेशन है ये आना चाहिए माइनस वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हम किसी भी वे से एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, एक्स को एक साइड पे वाई को एक साइड पे करना पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला फंक्शन भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, राइट। तो इस फंक्शन को आप कैसे डेरिवेट करेंगे, ध्यान दें, एक्स इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई, हाँ जी ये प्लस वाला पार्ट है इस साइड पे ले जाओ राइट हैंड साइड पे, माइनस वाई इंटू रूट ऑफ वन प्लस एक्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, रूट के सिंबल को हटाना है। अगर रूट के सिंबल को हम हटा लेते हैं तो थोड़ा डेरिवेशन इजी हो जाएगा, बाकी आप लोग डायरेक्ट डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये डेरिवेशन करना इजी रहेगा। तो इसके लिए स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, राइट। इस साइड पे स्केयरिंग करो क्या हो जाएगा, एक्स हमारे पास है इसका स्केयर बन जाएगा, इंटू में वन प्लस वाई हो जाएगा, स्केयर रूट कैंसल। इस साइड पे माइनस वाई का स्केयर मतलब वाई स्केयर इंटू में वन प्लस एक्स, ओके। एक्स स्केयर को मल्टीप्लाई करो अंदर वन प्लस वाई से तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई इक्वल टू वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर एक्स, हाँ जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, प्लस का वाई स्केयर मैंने इस साइड पे ट्रांसफर कर दिया माइनस वाई स्केयर हो गया, प्लस में एक्स स्केयर वाई है और ये प्लस का माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस वाई स्केयर एक्स इक्वल टू जीरो, हाँ जी इसके फैक्टर करो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर के तो ये बनेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर फॉर्मूला अप्लाई किया है मैंने एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहां से कॉमन लेना हम लोगों ने, हाँ जी यहां से कॉमन क्या सकता है, यहां से कॉमन आएगा अगर मैं एक्स वाई कॉमन लेता हूं, एक्स वाई कॉमन लिया मैंने तो एक्स वाई कॉमन लेने पर मेरे पास इन साइड अंदर क्या बचेगा, यहां पर एक्स आएगा और यहां पर वाई आएगा इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई कॉमन निकाल लो, एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, इन साइड मेरे पास क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने फैक्टर करने हैं और फैक्टर करने के बाद कॉमन निकालना है, ओके। तो हमारे पास है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो इन फैक्टर्स को वन बाय वन जीरो के इक्वल रखो, x माइनस वाई इक्वल टू जीरो कोमा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, माइनस का y मैं इस साइड पे ले गया, x इक्वल टू वाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी कह रखा है हमसे कि x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे इस कंडीशन को, क्योंकि x नॉट इक्वल टू y है तो हमारे पास जस्ट वन कंडीशन है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू जीरो। इसमें ध्यान दो, हाँ जी y यहां से कॉमन निकाल सकते हैं, y कॉमन निकाल लो, y कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पर बच जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू प्लस का x इस साइड पे माइनस का x हो जाएगा। मीन टू से लास्ट में हमने क्या करना है, x y को सेपरेट करना है, स्टार्टिंग में सेपरेट नहीं हो रहे थे लेकिन लास्ट में यहां पर हो रहे हैं तो हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग सेपरेट नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी आप यहां से डेरिवेशन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने y कॉमन लिया है, इन साइड मेरे पास 1 प्लस एक्स है और ये प्लस का x इस साइड पे माइनस में ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहां से y इक्वल टू मेरे पास बचा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब हम लोग u बाय v फार्मूला अप्लाई करके इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे, हाँ जी डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेशन फाइंड करना है हमने, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, माइनस का सिंबल मैंने बाहर रख लिया, यू बाय वी, पहले मेरे पास आएगा v, तो 1 प्लस x को मैंने वैसे का वैसे ही राइट कर दिया, इनटू में डेरिवेशन ऑफ v, हाँ जी ध्यान देना 1 प्लस x वैसे का वैसे ही इनटू में डेरिवेशन ऑफ v, v हमारे पास सॉरी डेरिवेशन ऑफ u, 1 प्लस x v की वैल्यू है तो सेम आ जाएगी इसका डेरिवेशन, x का डेरिवेशन क्या होता है, x का डेरिवेशन होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर सेम रहेगा, छोड़ दो इसको, माइनस का सिंबल, इसके बाद आएगा x, ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन निकालकर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स का डेरिवेशन होता है 1, यानी 1 का 0 कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेशन 1, तो इनटू में 1 करेंगे, सेम हमारे पास कंडीशन आ जाएगी, बाय में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यू बाय वी हमने फार्मूला अप्लाई किया है, डेरिवेशन ऑफ यू बाय वी, यहां पर मैं राइट कर रहा हूं इस फार्मूले को, तो पहले क्या आएगा, v आएगा इनटू में डेरिवेशन ऑफ u माइनस u इनटू में डेरिवेशन ऑफ v बाय में v स्क्वायर, इस फार्मूले को अप्लाई करके आपने डेरिवेशन करना है, यहां पर मैंने x और x प्लस 1 का डेरिवेशन नहीं किया, वैसे ही राइट कर दिया इनको, हाँ जी प्लस का x और ये माइनस का x कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास लास्ट में बचेगा dy बाय dx, यस dy बाय dx इक्वल टू, यस ये माइनस का सिंबल भी है मेरे पास, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, आई थिंक यही हमने प्रूव करना था, ये रहा हमने प्रूव करना था माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, जहां 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एक ही बात है, ओके, तो ये था मेरे पास इम्प्लिसिट फंक्शन x इंटू रूट ऑफ 1 प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, where x not equal to y and we have to prove dy by dx equal to minus 1 by x plus 1 का whole square. तो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, स्टार्टिंग में स्क्वेयर रूट के सिंबल को हटाना है, इसके लिए ये वाली टर्म इस साइड पे माइनस की हो जाएगी, उसके बाद आपने स्केयरिंग करनी है, स्केयरिंग करने के बाद फैक्टर होगा और फैक्टर करने के बाद आप लोग 1 by 1 दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस वाई को 0 के इक्वल रखने पर हमारे पास x इक्वल टू वाई आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है y, क्योंकि x नॉट इक्वल टू y हमें गिवन है, राइट, तो इसमें चेक कर लो, इसमें आप डायरेक्ट यहां से डेरिवेशन कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, अगर डायरेक्ट नहीं करते हैं सेपरेट करते हैं x y को तो भी हमारे पास हमारा रियल आंसर आ जाएगा, जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर क्या है, हमने प्रूव करना था कि डेरिवेशन माइनस 1 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, राइट, तो u by v अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ओके, तो वन प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसकी, इम्प्लिसिट फंक्शन की मोस्ट इंपोर्टेंट सम है, हाँ जी नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यस साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई एंड वी हैव टू प्रूव साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई बाय साइन एक्स, राइट, मोस्ट इंपोर्टेंट सम, साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई, राइट, तो इसको हमने डेरिवेट करना है, तो इसमें क्या होगा ध्यान दो, अगर हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहें, एक्स को सेपरेट करना चाहें, तो मेरे पास क्या रहेगा, साइन वाई ये साइन ए प्लस वाई की मल्टीप्लाई है, इस साइड पे ये डिवाइड हो जाएगा, ओके, x इक्वल टू साइन वाई, ये बाय में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई, ओके, तो इसको सिंपली भी कह सकते हैं हम लोग, यहां पर एक्स वाई सेपरेट हो गए हैं तो ये भी कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, बट प्रॉब्लम्स मैंने राइट कर ली है रिलेटेड टू इम्प्लिसिट फंक्शन, तो इसको भी कर लेते हैं, वैसे यहां से अगर वाई को सेपरेट करना चाहें ए और वाई को, पॉसिबल नहीं है, ओके, तो इसको भी कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं और तो प्रॉब्लम,
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, हाँ जी यहां पर क्या है एक्स इस साइड पे है और वाई इस साइड पे है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इस पर थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें हम लोग मोस्टली डीवाई बाय डीएक्स फाइंड करते हैं, बट हेंस वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डी एक्स बाय डी वाई, ठीक है। इससे सिंपल रहेगा, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे तो वो काफी टफ पड़ेगी कैलकुलेशन उसकी। तो हम यहां पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, राइट। तो एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये डी एक्स बाय डी वाई, ओके। तो अब चलिए u बाय v अप्लाई करेंगे, u बाय v अभी मैंने राइट किया यहां पर, पहले आएगा v हमारे पास, हाँ जी v मेरे पास क्या है साइन a प्लस वाई इंटू इंटू में डेरिवेशन ऑफ u, हाँ जी साइन y का डेरिवेशन क्या बनेगा cos y हो जाएगा डेरिवेशन, और y का डेरिवेशन 1, y का डेरिवेशन dy बाय dx नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y चल रहे हैं हम, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं। मोस्टली सम्स में क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डेरिवेट करते हैं, यहां पर हमने क्या किया है विद रिस्पेक्ट टू वाई किया है, तो साइन वाई का डेरिवेशन कोस वाई और वाई का वन रहेगा, इंटू में हमारे पास यू आएगा, यू की वैल्यू मेरे पास क्या है साइन वाई, तो यहां पर साइन वाई मल्टीप्लाई डेरिवेशन ऑफ साइन ए प्लस वाई, तो साइन का डेरिवेशन हो जाएगा कोस ए प्लस वाई, और a प्लस वाई का डेरिवेशन a कांस्टेंट है जीरो रहेगा और y का डेरिवेशन क्या होगा वन होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y का डेरिवेशन वन रहेगा। बाय में v स्क्वायर, v मेरे पास क्या है साइन a प्लस वाई है, अब इसका स्क्वायर करना है तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर ध्यान से देखो dx बाय dy है, साइन a कोस बी माइनस माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला मेरे पास बन रहा है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, दैट इज साइन ए माइनस बी, हाँ जी ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहां पर, राइट। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी, ये देखो साइन ए इसको ए कंसीडर कर लो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और ये साइन बी है, तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस वाई, बी की वैल्यू क्या है वाई, तो यहां पर वाई रख दो। बाय में क्या है साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, हाँ जी वाई से वाई कैंसल, तो मेरे पास डी एक्स बाय डी वाई की वैल्यू आ रही है साइन ए अपॉन साइन स्क्वेयर ए प्लस वाई, ओके। तो ये है वैल्यू डी एक्स बाय डी वाई, लेकिन आपने प्रूव करना है डी वाई बाय डी एक्स इसका रेसिप्रोकल, हाँ जी इसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या बनेगा डी वाई बाय डी एक्स, इस साइड पे रेसिप्रोकल किया है तो इस साइड पे भी रेसिप्रोकल कर दो, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय बाय में हो जाएगा साइन ए, ओके। तो हम लोगों ने प्रूव करना था साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन एक्स प्रूव करना था, एक मिनट चेक कर लेते हैं, साइन एक्स नहीं है साइन ए ही आएगा यहां पर साइन ए ही आएगा, ओके। तो स्टेटमेंट थोड़ी रॉन्ग मैंने यहां पर राइट कर रखी है, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए ही हमने प्रूव किया था, सेम प्रूव हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए, ओके। तो ये थी हमारी थर्ड प्रॉब्लम आज के लिए। तो मेनली हम लोगों ने क्या करना था इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में, इम्प्लीसिट फंक्शन में जो एक्स वाई होते हैं एक्स वाई वेरिएबल वो कनेक्टेड होते हैं आपस में इस फॉर्म में, और इसमें एक्स वाई को हम लोग सेपरेट नहीं कर पाते, ध्यान रखना वो होते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। ये थर्ड प्रॉब्लम में ये नहीं कह सकते कि ये इम्प्लीसिट फंक्शन है क्योंकि ऑलरेडी यहां पर एक्स वाई सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है। फिर भी मैंने इस प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व कर दिया आपके लिए क्योंकि ये काफी इंपोर्टेंट सम है
और कई बार यह सीबीएसई एग्जाम में देखा गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही है। आप लोग इम्प्लीसिट फंक्शन की प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग इन बुक्स में उसके लिए राइट कर सकते हैं, ठीक है। उसका सोल्यूशन जब भी मेरे पास टाइम हुआ, ठीक है, उसके हिसाब से आपको भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।